एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर गेमर वाइस में। तो आज के स्टूडियो में एंटमैन क्वांटमेनिया वाला यूनिफॉर्म लेने का कि नहीं लेने का एंटमैन का, इसके ऊपर मैं आपको ओपिनियन दूंगा। हालांकि मेरा अभी टीयर 2 ही है और इसको टीयर 3 करने के लिए देखो मैंने सारे गेयर अपडेट कर उसको गाइड कॉस्ट में ना मैंने सेलेक्ट किया था। गाइस को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने वही दम उसका 50% ऑफ वाला यूनिफॉर्म ले लिया, 875 क्रिस्टल में ले लिया। अब इसको टीयर 3 करने के लिए भाई देखो मेरे पास मटेरियल कम पड़ जा रहे हैं ना। मैं बोला था भाई आधे से ज़्यादा मटेरियल हमको वाइट कॉस्ट में लगाने पड़ते हैं, वहाँ से कुछ 25% हमको मिलता है, 25 या 35% मटेरियल वहाँ से मिलते हैं और बाकी के जो 70% या 75% जो भी बचेगा वो मटेरियल सब हमको लगाने पड़ेंगे। खाली 3 टाइटन बुक मिलेगी और 7 टाइटन बुक अपने को देने का, समझे क्या? अब यहाँ पे बोलो एंटमैन का यूनिफॉर्म लेने का कि नहीं लेने का। मेरा बिल्ड देख रहे हो कैसा है और मैं इसके ऊपर ही इसको ध्यान में रखते हुए रिव्यू दे रहा हूँ लेने का कि नहीं लेने का। देखो इस हिसाब से ना ये 120% प्रॉग है मेरे, और ये आर्टिफैक्ट है, ये ISO सेट है, और ये है और ये है। अब टीयर 3 किया नहीं हूँ। अब इसी हिसाब से मैं बता दूँ कि ये यूनिफॉर्म अभी अच्छा काम कर रहा है इस लेवल पर और इतने बिल्ड में। ओके टीयर 3 नहीं है, टीयर 3 में बस कुछ ही परसेंट 5 या 10% बाकी है भाई टीयर 3 करने में। हालांकि गेयर अपडेट हो गया ना भाई तो टेंशन नहीं, अब टीयर 3 इसको मटेरियल में 2 या 3 या 4 दिन जितना भी लगेगा मटेरियल जमा करके इसको टीयर 3 करना ही है ना। तो पहले ये टीयर 2 के ऊपर रिव्यू दो, टीयर 2 लेवल 70 और सारे गेयर 20-25 लेवल पे अपडेट, तो इसका भाई मैं बोलूँगा ये यूनिफॉर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस लेवल पे, इसमें यूनिफॉर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब टीयर 3 करने के बाद फिर मैं एक रिव्यू डालूँगा, लेकिन जब तक शायद से वो सेल चला जाए, सब शायद से वो गाइड कॉस्ट चला जाए या फिर कोई लिमिट नहीं गाइड कॉस्ट की। ये भी एक बात ये भी भाई कि वहाँ पे कोई लिमिट दिखा रहे नहीं, कोई टाइम लाइन नहीं बता रहा कि कब ख़त्म होगा है ना, तो शायद से कोई लिमिट नहीं है गाइड कॉस्ट की जाने की। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा एंड मैन को हम गाइड कॉस्ट में सिलेक्ट करके इसका 50% ऑफ में यूनिफॉर्म ले सकते हो। ये अच्छा काम कर रहा है वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में। अब लेजेंड में ट्राई नहीं कर सकता, टीयर थ्री होगा जब जाके मैं लेजेंड में ट्राई करूँगा ना। अल्टीमेट में भाई अच्छा काम कर रहा है, हाई स्टेज पे थैनोस को हरा दे रहा है। और बात करें मैं डायमेंशन रिफ्ट में भी प्ले किया तो भाई अच्छा निकाल दे रहा है ना, अच्छा निकाल दे रहा है ऐसे। और बात करूँ टाइम में बैटल में इतना अभी नहीं कर रहा है, टाइम में बैटल में हार जा रहा है। टीयर 2 का एक्टर है तो भाई सामने वाले बंदे से हार ही जाएगा ना, तो टाइम में बैटल में अभी अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। GBR में अभी टेस्ट नहीं किया, GBR में झूठ क्यों बोले भाई, अभी टेस्ट नहीं किया हूँ GBR में। मैंने वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट, अलायंस बैटल और डायमेंशन लिफ्ट, डिशमैच मिशन, इसमें अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ टाइम में बैटल में मैं बोलूँगा इतना अच्छा नहीं कर रहा है अभी। ओके अब मैं बोलूँगा भाई ले लो यूनिफॉर्म, ये स्पाइडरमैन की तरह होगा, यूनिफॉर्म ले लो। स्पाइडरमैन का कैसे भाई PvE सेक्शन में भाई बहुत धमाका कर रहे हैं, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में मेरा स्पाइडरमैन भाई अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, इसका यूनिफॉर्म लिया, इसको टीयर 3 करूँगा। अभी 3 या 4 दिन लगेगा मटेरियल जमा करने में, हो जाएगा टीयर 3 करूँगा, फिर उसके बाद एक और रिव्यू लूँगा, फिर पूरा कंप्लीट आपको बताऊँगा कि लेने का नहीं। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पर भाई ले लो, इतने लेवल पर इतने अपडेट में इतने बिल्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो समझ जाओ टीयर 3 करने के बाद कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। एक ही बात है भाई, ले लो गाइड कॉस्ट में, पहले सेलेक्ट करो 50% ऑफ का ले लो। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब।